हिंदी सत्र में सभी साथियों का स्वागत है। तो स्वयं प्रभा दीदी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पे। स्वयं प्रभा दीदी शिक्षा अनुसंधान डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज में प्रोफेसर हैं और दीदी ने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप 2021 में ऑनलाइन मोड में की थी। तो स्वागत है दीदी, नमस्ते। नमस्ते परीक्षित भैया, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते तारा प्रसन्ना, नमस्ते सभी को जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं। परीक्षित भैया ने तो बोला है कि मैं शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और इसके अलावा लाइक मैं थोड़ा कॉरपोरेट ट्रेनर भी हूँ, एक ऑथर भी हूँ, मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं, और कॉलमनिस्ट भी हूँ कि मैं कॉलम राइटिंग करती हूँ। और वेरी रिसेंटली अभी मैंने एक ह्यूमन कंडक्ट पर एक आर्टिकल छापा है इन द पायनियर। सो वो एक कोशिश थी जब मैंने गणेश भैया को सुना कि जैसे हम ह्यूमैनिटीज में लाइक पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते, तो मैंने जस्ट एक अटेम्प्ट किया कि जितनी मेरी समझ थी। तो अभी जैसे लाइक मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ सभी के प्रति जिन्होंने मुझे ये माध्यम से लाइक थोड़ा जागृत किया। और वैसे ये बात भी सच है कि मैं बहुत कंसिस्टेंटली सेशंस मॉर्निंग वाले नहीं लाइक अटेंड कर पाती, बिकॉज हम लोग का जो क्लासेस होता है वो 8 बजे होता है, तो हमको रीच करना पड़ता है अराउंड एट 7:45। तो मॉर्निंग में बहुत कुछ रहता है जो मैं नहीं कर पाती, एंड अभी भी इस वजह से तो एंड बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है अंडरस्टैंडिंग हमारी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और आप लोग के हेल्प से डेफिनेटली मेरे आगे समझ भी और ज्यादा बनेगी। जैसे मैं स्टार्ट टू बिगिन विथ, ऐसा है कि मेरा जो हमेशा से जो है थोड़ा मोटिवेशन टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सेल्फ और टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर रहा है। तो जैसे कि है ना, नेचर के लिए मेरा हमेशा एक लाइक हमेशा एक अट्रैक्शन सा है। और जैसे मैं अपने आप हमेशा ऐसे गार्डनिंग का मुझे हमेशा से शौक था, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस तरह से हमारा लाइक एंटायर एटमोसफियर हो उसके लिए भी मैं प्लांटेशन ड्राइव्स थोड़े करती हूँ। तो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले 150 मेडिसिनल प्लांट्स लगाए थे। और अभी का मेरा ऐसा भी है कि जब मैं किसी को गिफ्ट करना चाहती हूँ तो मैं अब गिफ्ट नहीं लेकर जाती, उनको प्लांट्स गिफ्ट करती हूँ। उसी तरह से जो बिहेवियर में भी कई सारे चीजों में मेरा लाइक फोकस गया कि जैसे मैं और लाइक बॉडी है वो दोनों अलग है, और सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को कुछ काम करने के लिए, एंड सेल्फ का जो इनेटनेस है वो हमेशा ऐसा है कि टू बी हैप्पी। बट ये बस बॉडी के जो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, थॉट्स के हिसाब से हम जो इमेजिनेशन में चले जाते हैं, अजम्पशन में चले जाते हैं, वो कई बार हमको डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे है ना, हम जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको कि मैंने बहुत ध्यान दिया। हमारे घर पे लाइक मेरे हस्बैंड हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी बिजनेस में है, मेरा एक बेटा है आर्किटेक्ट है। हम सब पढ़े लिखे होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम इतने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बातें तो सोचते हैं। जब हम देखते हैं टीवी पे कि हम वाटर वेस्ट हो रहा है, कुछ साल बाद हमें पानी नहीं मिलेगा, तो उसके ऊपर ध्यान जाता है। बट जब हम खुद से ये प्रयास करना चाहते हैं तो नेग्लिजेंस ही कह सकते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए घर पे कि जैसे पानी खुला है एंड हम ब्रश कर रहे हैं, या मोटर चल रहा है एंड वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लाइक डेवलपमेंट्स मैंने किया। और जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ऐसा है कि लाइक प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान जाता है। लाइक जैसे कोई मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो ये मुझे लाइक लगेगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इस इश्यू को मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे स्वयं में पहले देखना है कि क्यों ऐसे कहा, कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसी का मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे हर फैमिली में मेरी मदर इन लॉ आई मीन सब फैमिलीज में होते हैं फैमिली मेंबर्स, वैसे एक बार मेरी मदर इन लॉ जब मैं कॉलेज से आई तो उस दिन थोड़ा बहुत लेट हो गया था,
तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम लोग तो हमेशा अपने अपने काम में बिजी रहते हो और मेरा तो लाइक ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम ही नहीं है। तो मुझे उस मोमेंट में वो बात बहुत हर्ट कर गई। मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर मैंने सोचा कि हाँ ये सच है कि उनको लोनली फील होता होगा। तो मैंने उनसे एक आइडिया बताया कि चलिए हम लोग हर मंथ आपके फ्रेंड्स और आपकी जो सिस्टर्स हैं उनको बुलाते हैं, एक गेट टुगेदर करेंगे। तो वो भी बहुत खुश हुई और ये भी प्रक्रिया कुछ दिन तक चली। फिर मैंने देखा कि उनको बहुत इंटरेस्ट है, कुछ खाना बहुत स्पेशल फूड वो बनाती है। तो मैंने बोला कि मैं आपको हेल्प करूंगी, आप इसको एक चैनल के तौर पे करिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मैं ये सोच सकी, और ये मैं सोचती हूँ सारा श्रेय मैं यूएचबी को ही देती हूँ, क्योंकि ये बातें मुझ में हो सकती है थी भी, पर ज्यादा ध्यान मैं कभी नहीं दे पाती थी। कि हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इस तरह से हम जब प्रॉब्लम को रिलेट करते ये तो नेचुरल है। बट अब मैं सोचती हूँ कि हमें प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे लोकैलिटी में भी हमारा एक वुमेन्स क्लब है, तो मैंने सोचा कि हम हमेशा गेस्ट को बुलाते जो कि बहुत थोड़े से एमिनेंट पर्सन होते। तो इस बार हमने प्लान किया और मैंने ये कहा कि हम सारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें हम बुलाएंगे और उन्हें हम लाइक उनका प्रोत्साहन उनका उत्साह लाइक एनकरेजमेंट करेंगे बाय गिफ्टिंग देम समथिंग। तो इस तरह से ये काम भी बहुत अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रांसजेंडर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा जुड़ी हुई थी, तो मैंने देखा वो भी एक सेक्टर है जहाँ थोड़े पीपल नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमें भी कुछ रिकग्निशन मिले जिसमें वो लोग बहुत काम भी करते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम में उनको भी बुलाया और उनमें से एक जन को एज चीफ गेस्ट रखा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि उस सब में मैं काम कर सकूँ। और सबसे बड़ी एक चीज मुझे लगती है जो मैं अपने अंदर में बदलाव ला सकी, वो ऐसा है कि जब मेरे पेरेंट्स गुजर गए तो हम मुझे सारे आ, आ, जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने बोला इनके तो बस डॉटर्स है, ये क्या सब रिचुअल्स करेंगे, ये क्या श्राद्ध करेंगे। तो मुझे वो बात उस वक्त तो बुरी लगी, पर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम है कि लड़कियां नहीं कर सकती पर मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए ट्रिब्यूट मैं हर तरह से दे सकती हूँ। तो मैंने एक ऑर्फिनेज में वहां पे लंच डिनर अरेंज किया। तो उसके बाद ग्रेजुअली मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसे एज अ श्राद्ध पे करती हूँ तो लेट मी डू इट कि जो बर्थडेज होते हैं मैं वहां जाके उनके साथ सेलिब्रेट करी। तो इससे क्या हुआ कि मुझे तो एक बहुत ही ज्यादा एक फीलिंग आई ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और मेरे बेटे को भी ऐसे लगा कि हाँ हम जब शेयर करते हैं और केयर करते हैं तो इसमें हमारी जिम्मेदारी तो है ही, और दूसरी बात हम दूसरों के जीवन में भी खुशी लाते। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा एक इनेट नेचर है टू बी हैप्पी। सो वो हैप्पीनेस को हम अपने में ढूंढते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को भी अगर खुश रखते हैं तो डेफिनेटली वो जो ऑल परवेडिंग हैप्पीनेस होता है उसका एक अलग ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड रिगार्डिंग मैं क्लोथ्स भी कहूंगी कि जैसे है ना, मुझे हमेशा लगता था कि अच्छे क्लोथ्स पहनना चाहिए। सो जब भी कुछ मैंने अगर मुझे कुछ अपने लिए कुछ खुशी ढूंढनी होती थी सो आई यूज टू रन टू शॉप्स एंड शॉपिंग मॉल्स एंड बाय क्लोथ्स। बट उसके बाद मुझे ये रियलाइजेशन आया कि इट इज जस्ट गिविंग मी अ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन, बस एक लाइक एक मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो हमेशा से मुझे खुश नहीं रख सकता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। सो ये सारी बातें मुझ में यूएचवी से ही आई। जितना भी लाइक मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो जब हम क्लास लेते हैं तो शुरुआत में बच्चों के साथ भी ऐसा ही था कि उनका थोड़ा रेजिस्टेंट फीलिंग था, बट ग्रेजुअली हमने उनको एक्टिविटी के साथ थोड़ा सा उनका मोटिवेट किया, उनके ही लाइफस्टाइल के डिस्कशन करके उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, तो देखा कि वो लोग भी अपने आप में समझ पा रहे हैं कि मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल ये ऑपोजिशन नहीं है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी जो मेरे मन में है वो भी नहीं है। तो इसी तरह से कई चीजें मुझे लाइक मैं कनेक्ट कर पाई। और जैसे मैं अगर स्टेप 1 एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो ये जो सेल्फ को ऑब्जर्व करने वाली बात थी भैया, तो ये तो बहुत मुझे लगा एक बहुत डिफिकल्ट और हरक्यूलियन टास्क है,
क्योंकि जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करी तो मैंने देखा इसमें कितनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने ब्रीदिंग एस्पेक्ट्स को मॉनिटर किया, तो ये जो ब्रीदिंग एस्पेक्ट्स है वो सारा मेरा जो डीप जो डिजायर थॉट एंड एक्सप्रेशंस और एक्सपेक्टेशंस, ये सारे इमेजिनेशंस, ये सारे के साथ उसकी गतिविधि बढ़ती गई, कभी घटती गई। और फिर कभी मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो ऑब्जर्वेशंस कर रही हूँ ये मैं क्या ढूंढना चाहती हूँ। तो और इस तरह से बहुत सारे थिंग्स मेरे मन में प्री कंडीशन भी थे। मुझे ऐसा लगा कि लगता था कि जैसे अगर मैंने कुछ गलती की भी है तो मैं मान रही हूँ कि मेरी गलती है, पर उसका जस्टिफिकेशन मैं कर रही हूँ कि नहीं, मेरी गलती इस वजह से हुई। तो ये सारी चीजें को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने सोचा कि मैं कितनी गलत हूँ। और जैसे कि पहले भी एक दीदी ने शेयरिंग में कहा था कि अपनी गलतियों को ढूंढना ये एक बहुत मुश्किल कार्य है, और अगर हम थोड़ा सा भी इस पर कुछ कर सकते हैं तो मेरे को लगता है ये ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो ग्रेजुअली मैं जब बहुत ज्यादा अपने आप को, बिकॉज ये जो मैं थोड़ी ऑब्जर्वेंट ही हूँ और मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशंस में बिलीव करती करती हूँ, तो जब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया तो मेरे को ऐसे ही फील हुआ कि हाँ, बहुत सारे जस्टिफिकेशन जो मैं देती थी अपनी गलती के लिए, या किसी और को जिम्मेदार ठहरा देना, या इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, मैं खुश थी और आज मेरा दिन खराब हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारे मेरे ही अपने ही एजम्पशंस थे और इमेजिनेशंस थे। तो इस पर मुझे वैसे बहुत काम करना है, ये तो जस्ट शुरुआत है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो मुझ में बन सकी है, और ये जो राइट इवैल्यूएशन की, जैसे पहले मेरा नाम आया है इन 2023 की 100 वुमेन अचीवर्स के बीच से मैं एक हूँ, तो शुरुआत में मुझे एक बड़ा सेल्फ प्राइड सा लगा, बट उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इतना विश्वास मेरे ऊपर मेरे वेल विशर्स ने दिखाया है, मुझे वोट आउट किया है, तो मुझे इसमें कंसिस्टेंसी लानी है। तो कंसिस्टेंसी मेरे दिखावेपन से तो नहीं आएगी, पर मेरे कार्य से आएगी। तो मेरे कार्य की जो गतिशीलता है वो एक कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। ये मुझे बस एक रियलाइजेशन कराया है कि मुझ में वो पोटेंशियल है और मैं वो पोटेंशियल्स को किस तरह से आगे ले सकती हूँ। तो इस तरह से मुझे लगता है ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये बहुत एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसमें कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आगे भी जाना है। तो जो दूसरे जो एक्सरसाइज है इसमें भैया मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर तो नहीं हूँ कि जैसे सेल्फ एंड बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है और हमारे लाइक ईच यूनिट जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, पर जो स्पेस है उसमें देर इज नो एक्टिविटी। तो इस तौर पे मैं जब दूसरे को देखती हूँ, दूसरे इंडिविजुअल को देखती हूँ, तो हम आपस में देर इज स्पेस, बट मैं उनके फीलिंग्स को भी समझ पाती हूँ, और ऐसे जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर पहले ज्यादा होते थे कि किसी ने मुझे, जैसे मेरे मेड्स हैं वो लोग अगर नहीं आए किसी वजह से तो मुझे बहुत ये फील होता था कि हमेशा वो कह देते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि वो भी इंसान है मेरी तरह, तो उनके फीलिंग्स भी रेस्पेक्ट करने चाहिए, हो सकता है ये चीजें सही हो। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातों में मैं पहले अपने बदलाव को ज्यादा जानने की कोशिश की, और जैसे हमारा बेसिक एस्पिरेशन तो यही है कि हम खुश रहें, तो जैसे भैया ने बताया कि हम हमेशा B2 ब्लॉक में ज्यादा लिंगर करते हैं, और मेरी भी स्थिति अभी यही है कि B2 से B1 को जाने के लिए मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ बट कभी कभी नहीं जा पा रही हूँ। सो मुझे समझ है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मैं किस तरह से ला सकूँ, और जैसे किस तरह से मैं इसे पता कर सकूं, और हार्मनी में मैं रहना भी चाहती हूँ और हूँ भी समटाइम्स, बट ये कंटिन्यूटी में नहीं आ पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तरीके से मेरे इमेजिनेशंस या अजम्पशंस ओवर पावर कर लेती हैं। तो बट बहुत हद तक मैंने ये सेल्फ रेगुलेट किया है, और पर्टिकुलरली मैं अगर ऑनेस्ट कन्फेशन करूँ तो इस कोर्स ने मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा राह दिखाया है, जिससे कि मुझे ये पता चला कि ये सारे कार्य भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जितना मेरा जॉब, मेरा फैमिली
और सब कुछ जितना मेरे लिए मान्यता रखता है, तो ये भी ऐसा एक चीज है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे मैं चेंजेस के बारे में बताऊं अपने में, तो मेरे में बहुत सारे चेंजेस हैं। लाइक मैं बहुत थोड़ी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं रहती थी, जो कि अब मैं रहती हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो ये सारे जो एक्सट्रीम सेंसिटिव बिहेवियर है वो सारे को मैं रेगुलेट कर पाई हूँ। और जिस तरह से कि लाइक लाइक हर किसी को मैं पहले यही सोचती हूँ कि अगले का इंटेंशन खराब नहीं है, जैसे कि मेरा इंटेंशन राइट है, सो उस तरह से दूसरे का भी इंटेंशन राइट है। सो मैं जो डाउट, जो सेल्फ डाउट भी कभी कभी रहता था, बिलेटलिंग फैक्टर भी रहता था, तो वो सबको मैं ओवरकम कर पाई हूँ। और जैसे कमिटमेंट की बात कहूँ, तो पहला कमिटमेंट तो ऐसा ही है कि मैं, तारा प्रसन्ना जी, मैं और हमारी जो डीन है, जो एडिशनल डीन है स्टूडेंट्स की, सो हम सब मिलकर हमारे यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा लाइक इस प्रक्रिया को, यूएचवी की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा बिल्ड करना चाहते हैं। और इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, मैं फैमिली में भी जब भी कुछ डिस्कशंस होता है, कभी देखती हूँ कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, तो मैं इस कंटेंट को बोलती हूँ कि देखिए, हमारे पास ये 9 जो चीजें हैं, जैसे ट्रस्ट की, केयर, गाइडेंस की, रेस्पेक्ट की, ग्रेटिट्यूड की, ये सारे को हम किस तरह से हम कर सकते हैं। और उस वजह से और एक एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूंगी कि जो हमारे जो सर्विस होल्डर्स है, जो कि हमको जैसे स्विगी एंजिन को हम ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो हाउ टू शो ग्रेटिट्यूड, ये चीजें भी मैंने अपने फैमिली में बहुत बिल्ड किया कि कभी लेट हो गया उनका डिलीवरी, तो एवरीबॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो लेट क्यों किया, पर मैंने कहा कि वो भी एक सर्विस कर रहा है, सो वी हैव टू एक्सरसाइज पेशेंस। तो जिस तरह से हम कभी खाना बनाने में हमें कुछ डिफिकल्टी आती है, तो हो सकता है उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो। सो ये जो नजरिया है, ये बेसिकली मेरा ज्यादा दो था, ऐसा मैं नहीं कहती कि बिल्कुल मैं ऐसे सेंसिटाइज नहीं थी, बट ज्यादा बढ़ा थ्रू दिस कोर्स। और जैसे मैं कितना टाइम दे सकूं अपने हिसाब से, अपने सेल्फ को ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैं सोचती हूँ जैसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये हमेशा ही एक प्रोसेस में रहा है और रहेगा भी। तो जैसे मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ, तो मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, जहाँ पे कि मैं यही ऑब्जर्वेशन करती हूँ, मेरे ब्रीदिंग पैटर्न्स को चेक करती हूँ, कि जब मैं बहुत कुछ इमेजिनेशन में चली जाती हूँ, तो ब्रीदिंग पैटर्न्स बहुत फास्ट हो जाते। फिर जब मैं अपने इमेजिनेशन को कम करके मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरा मेरे इसमें रेस्पॉन्स इस तरह से आना है, मेरे अपने आप में बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज होने हैं, तो फिर मैं अपने थोड़ा सा वो, तो इस वजह से ये बस एक अटेम्प्ट है भैया, बहुत कुछ है आगे मुझे करने के लिए। और मैं चाहती भी हूँ, अभी भी मैं ट्रांसक्रिप्शन में अपना कंट्रीब्यूशन तो देना चाहती हूँ, पर लाइक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और जैसे वॉलंटियरिंग है, जो मैं एज ऑब्जर्वर तो मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि एक्टिव, प्रोएक्टिव होके कुछ, जैसे आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं हमारे यूएचवी के, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं, जो मैं कॉलेज में तो बहुत करती हूँ, आई एम वेरी प्रोएक्टिव, लेकिन जो नेशनल प्रोग्राम्स में है, जो FDPs है, उसमें मैं थोड़ा सा अभी डोरमेंट ही हूँ, बट इवेंचुअली मैं डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। एंड मैं 2 घंटे बहुत इजीली दे सकती हूँ, जो कि ये भी थॉट मेरा अभी आता है जब मैं यूएचवी से जुड़ी, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास बिल्कुल किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, बट अब ऐसा लगता है कि वो सारा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बैठ गया है, और मेरा टाइम टेबल मैं सेट कर सकती हूँ जिसमें मैं अपना टाइम डिवोट कर सकती हूँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मेरे में ये सही समझ लाने के लिए। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से, पेशेंस और डिलीवरी पैटर्न बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी मैं सीखने की इच्छा रखती हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। तो स्वयं प्रभा दीदी शेयरिंग पे बात रखने के लिए मैं कुमार भैया बुलाना चाहूंगा। कुमार भैया नमस्ते। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। स्वयं प्रभा दीदी के बारे में कहूंगा कि जिस तरह का आपका बैकग्राउंड है और जिस ऊर्जा के साथ आप
काम करती रही हैं, इस पूरे वस्तु के साथ जुड़कर उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकता है। ऑलरेडी आप कॉलेज में बहुत सारी भागीदारी कर रही हैं और भागीदारी करने की तत्परता भी है। अभ्यास 1 और 2 को थोड़ा और विधिवत अगर कर लें, प्रस्ताव तो आपके सुनने में आ गया है, वस्तु ध्यान में है। अभ्यास 1 और 2 को और विधिवत करने से और उसमें शार्पनेस आ जाएगा, अपनी सजगता और बढ़ जाएगी, और इस ऊर्जा के साथ अभी तक आप काम करती रही हैं उसकी उपयोगिता भी और बढ़ जाएगी। तो बहुत सारा काम है अभी, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए, समाज की व्यवस्था के अर्थ में करने के लिए। तो आपने मन बनाया ही है और जिस तरह का आपका संस्कार पहले से रहा है उसके साथ जोड़कर बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है दीदी आप अगले बैच में भी जुड़ी रहेंगी, अब जो हम लोग बैच 8 शुरू कर रहे हैं। जी भैया, जी भैया, जरूर। बहुत बढ़िया दीदी। तो अभ्यास 1 और 2 पे थोड़ी शेयरिंग आपकी कम रही और आपने कहा भी हाँ कि अभी जी, और पकड़ की जरूरत है। हाँ तो अच्छा रहेगा, हाँ जी, अभ्यास जो अगला बैच में हम लोग कर रहे हैं उसको आप करें। तो बहुत अच्छी जी शेयरिंग जी है, मेरी तरफ से शुभकामना बधाई। और जी तारा भैया, भैया के साथ बहुत जुड़कर बहुत आप इस धन्यवाद रीजन में काम कर रहे हैं, आपके जी। शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छी संभावना है। जो आपके पूर्व वाइस चांसलर रहे तो सम्मानी भैया हैं यहाँ पर है जी, तो जी उनके प्रयास से जिस तरह से फैल कर काम हुआ पूरी यूनिवर्सिटी में, उसको आगे हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी पूरी उड़ीसा के लिए एक रीजनल सेंटर हो सकती है जी 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 हम भी यही जी। कोशिश कर रहे हैं भैया कि किस तरह से, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक हम किस तरह से इसको एक्टिवेट कर सके। ये चीजें हम काफी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दीदी। शुक्रिया भैया, थैंक यू।